सेब सेब कहाँ उगता है? सेब तो बेटा आजकल कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा, अभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज डे थ्री है मेरा कसोल में और आज मैं जा रहा हूँ तोश। फिलहाल हम जा रहे हैं कसोल टैक्सी स्टैंड, वहाँ से बस लेना होगा बस लेने के लिए। कसोल से बरसैनी पहुंचने में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। हालांकि डिस्टेंस बस 17 किलोमीटर का था, बट मलिंगकरण में काफ़ी देर तक बस रुक गई थी। फेयर लिया उन्होंने 50 रुपये और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में मैं पहुंच गया मलिंगकरण से बरसैनी। बाएं जाना है? बाएं जाना है। डैम ना, डैम से इस साइड, डैम से बाएं जाना है। सेब सेब कहाँ उगता है? सेब तो बेटा आजकल कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा, अभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और वाटरफॉल भी कुछ है? वाटरफॉल तोश में मिलेगा, पीछे वहीं मिलेगा। बरसैनी बस स्टैंड के आगे भी रोड अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसके आगे सरकारी बस नहीं जाती, जो टूरिस्ट बसेस हैं और टैक्सीज काफ़ी सारी लगी हुई थी बरसैनी बस स्टैंड पे। तो अब चाहो तो काफ़ी दूर जा सकते हो जहाँ से तोश का ट्रैक शुरू होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शंस बने हुए हैं, कलगा पुलगा तुलगा जाने के लिए रास्ता इधर से है और खी गंगा और तोश जाने के लिए रास्ता इधर से है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है तोश के लिए। मेरे को टेंशन एक ही बात का है कि आज ओवरकास्ट कंडीशन है, बस बारिश ना हो जाए, बिकॉज़ मेरे पास छाता भी नहीं है, रेनकोट भी नहीं है और 1:45 बज चुका है, 5 बजे की लास्ट बस है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, आज तो पूरा हालत ख़राब होने वाला है भाई। एक छोटा सा स्टॉल तो दिख गया है, वहाँ भी रुके हैं, कुछ खा लेते। मैगी ऑर्डर किया मैंने, 50 रुपये का है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्राइस लग रहा है पूरा एरिया में। जहाँ भी देखो प्लेन मैगी 50 रुपये का ही मिलती है। और आप लोग के यहाँ लाइट वगैरह रहता है इधर तोश में? हाँ लाइट आती है। लाइट आती है। आप लोग का मतलब रोजी रोटी कैसे चलता है? मतलब ऐसे तो क्या करना है, ऐसे ही थोड़ा पूरा ये ढाबा ढोबा चलाना, कैंपिंग करने क्या। अच्छा उससे? अच्छा तब से। अब बच्चा लोग का स्कूल वगैरह है कुछ? तो है, यहाँ स्कूल है। कितने क्लास तक? प्लस टू तक है। तो आप यहाँ कब से चला रहे हो? ये हो गया 8 साल। 8 साल हो गए। चलता है कभी नहीं चलता है। तो क्या करते हैं जब नहीं चलता था? ऐसे ही टाइम पास करते हैं। तो सपोज जब कभी कभी ठीक भी चलता है। बारिश के टाइम में तो लोग ज्यादा आते नहीं होंगे? बारिश में नहीं ज्यादा आते। तो कैसे चलाते हो अपना फिर? तब कम कम चलता है तो रोटी जैसे बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे 2 रास्ते और बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अगर आपको तोश जाना है तो आपको इधर से जाना होगा, अगर खीरगंगा जाना है तो इधर से जाना होगा। आप कहाँ तक छोड़ोगे ट्रैक? मैं तोश में छोड़ूंगा आपको। तोश में छोड़ूंगा। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लगेगा? टाइम 15-20 मिनट तो लग जाएगा। फिर वहाँ से? वहाँ से आपको फिर ट्रैक करना पड़ेगा। कितनी दूर है वहाँ से ट्रैक? वहाँ से स्टार्ट ही है तोश, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं आगे तक। वाटरफॉल कितनी दूर है वहाँ से? वहाँ से लग जाएगा 1 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए। ट्रेल बना हुआ अच्छा से? हाँ बढ़िया रास्ता है। कब से चला रहे हैं आप? ये मेरे को तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। चलो एक बात अच्छा हुआ है, भैया 300 रुपये मांग रहे थे, 2 दोस्त और मिल गए, तो फिर अब डिवाइड हो जाएगा, 100-100 रुपये। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये महर्षि जमदग्नि परशुराम जी का मंदिर है कुल मिला के। और ये मंदिर जनरली बोलते हैं जनवरी या फरवरी में खुलता है एक बार साल में, और अभी ये मंदिर बंद है। और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस मंदिर, ये एक होली प्लेस है, यहाँ कुछ भी छूना अलाउड नहीं है, अगर आप छूओगे तो 3,000 रुपये फ़ाइन लगेंगे आपको। तो अगर आपको कसोल की भीड़ भाड़ से दूर आना है और थोड़ा शांत एरिया चाहिए पार्वती वैली के बीचों बीच, तो तोश एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। जो ट्रैक है यहाँ का वो बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। और सिंस अब टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, तो काफ़ी सारे होम स्टेज और हॉस्टल्स अवेलेबल हैं,
और नेटवर्क भी अच्छा है, जियो का चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये थोड़ा थोड़ा रसोल से मैच कर रहा है। डिफरेंस यही है कि वो वहाँ के जो पहाड़ थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बैरन थे, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं पहाड़ों पे, और वो जो बर्फ़ वाला पहाड़ था वो वहाँ पे काफ़ी दूर पे था, यहाँ पे काफ़ी नज़दीक पे। और डिफरेंस ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी बादल छाए हुए हैं, तो बारिश कभी भी हो सकती है। तो काफ़ी देर बारिश हुई, बारिश बंद हो गई ऑलमोस्ट, और थोड़ा थोड़ा धूप निकल गया है। बारिश होने से एक चीज़ तो अच्छा हुआ है, इतने भी आप पेड़ देख रहे हो उनकी जो हरियाली है और निखर गई है और ज़्यादा ग्रीन हो गया है पूरा एरिया। यहाँ पे खाने पीने के लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। मैं अभी एक स्टॉल पे गया था, वहाँ पे बोल रहे थे मैगी प्लेन वाला 60 रुपये और वेज वाला 90 रुपीज़, और पार्ले जी बिस्किट इसका दाम 10 रुपये प्रिंटेड है वो उन्होंने 20 में दिया मेरे को। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आज का ट्रैक है वो अबॉर्ट करना होगा यहीं पे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काले बादल छाए हुए हैं और बहुत ज़ोर की बारिश आ रही है। अगर मैं फंस गया तो यहाँ पे शेल्टर उतना ज़्यादा है नहीं, और मेरे को किसी भी हाल में कसौल पहुँचना ही है। आज का व्लॉग यहीं तक था, कल मुझे जाना है सरपास के लिए। सी यू टुमारो, टिल देन गुड बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।